इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। आज इसी को चरितार्थ कर दिखाया है मधुपुर के नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टारजन ने। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, अदब के तो सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वे लोग पुराने गुजर गए, बाकी है इस जमीन पर आदमी की भीड़, इंसान को मरे तो जमाने गुजर गए। हम इंसान हैं फिर भी इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। धर्म मजहब सभी तो खुदा की देन हैं, हम तो फालतू में ही सिर्फ फर्क किए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर रोज इस देश में दंगे किए जा रहे हैं। गीता और कुरान दोनों ही पवित्र हैं अपनी जगह पर, इसको पढ़ने के बाद भी लोग हिंदू मुसलमानों के नाम को बदनाम किए जा रहे हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत मधुपुर की गंगा जमनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक टारजन ने मिसाल पेश किया है। अपने साथियों के साथ 24 घंटे से पड़े रामानंद रवानी के अर्थी को बैकुंठ धाम शमशान घाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया। मधुपुर के लिए मिसाल बन रहे टारजन की चर्चा हर जगह हो रही है। कोरोना के इस संकट की घड़ी में सबों की मदद के लिए वे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वार्ड नंबर 6 निवासी रामानंद रवानी की मृत्यु एक दिन पूर्व हुई थी। सेवानिवृत्त रेल कर्मी रामानंद रवानी की मृत्यु एक दिन पूर्व हो गई थी। उनके परिवार का कोई पूर्व सदस्य उनके घर पर नहीं था, सभी बाहर में नौकरी करते हैं। घर पर सिर्फ महिलाएं ही थी। उन्हें पहले से खांसी और दमा की बीमारी थी। आसपास के लोग कोरोना के भय से उनके शव को उठाने की जहमत तो क्या, वहां देखने तक नहीं पहुंचे। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल था। इसकी सूचना जैसे ही नगर परिषद के उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टारजन को मिली, वे तुरंत अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंचकर शव को लेकर बैकुंठ धाम स्थित शमशान घाट पहुंचे और हिंदू रीति रिवाज से शव को मुखाग्नि देते हुए उनका अंतिम संस्कार किए। ऐसे में एक सबक हम सबों को मिलता है कि अगर हमारे पास धन दौलत पैसा और हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो सभी हमारे दोस्त हैं। अगर यह सब हमारे पास नहीं तो कोई हमारी अर्थी को कंधा देने वाला भी नहीं। आज टारजन की इस नेक दरियादिली से मधुपुर तो क्या पूरे झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस टारजन के ऊपर कट्टर मुस्लिम छवि का दर्जा दिया गया था, आज उसी टारजन इन सबों के मुंह पर पट्टी लगा दिए कि यह सिर्फ मुस्लिमों के रहनुमा ही नहीं बल्कि धर्म जाति से ऊपर उठते हुए बेबस लाचार असहाय के सबसे बड़े मददगार और फिक्रमंद हैं। एक और जहां इस महामारी में शहर के कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के बाद घरों में घुस गए हैं, ऐसी परिस्थिति में टारजन अभी क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों की सेवा कर रहे हैं। मधुपुर से रामचंद्र झा की रिपोर्ट।